तो अब जरा एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2.13, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10⁻²² ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। दो केस दिया हुआ है ना, दो केस दिया हुआ है। फर्स्ट केस में क्या है कि दे दिया है कि कितना इथेन है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, कितना इथेन, और उस समय पार्शियल प्रेशर 1 bar, पार्शियल प्रेशर इथेन का 1 bar है, और कितना इथेन डिजॉल्व है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो देते हैं। हमें पार्शियल प्रेशर पता है, मास पता है, ठीक है, तो हम हेनरी कॉन्स्टेंट इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वही फिर से दूसरा सॉल्यूशन बनाया गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया, पता है कि नहीं अब उसमें कितना ग्राम है ना, 6.56 था तो सैचुरेटेड था, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो पार्शियल प्रेशर कितना, ठीक है। अब है कि हेनरी कांस्टेंट तो सेम होता है एक किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ना पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए वो जो हेनरी कांस्टेंट है वो सेम होता है, यहाँ तो दोनों ही सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम है इसलिए हेनरी कांस्टेंट तो दोनों ही केस में सेम होगा, है ना। सबसे पहली बात समझने की बात यही है कि यहाँ पर दो केस दिया गया है और दोनों ही केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम है, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट है दोनों में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट है दोनों ही केस में, लेकिन दोनों ही केस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम है, मतलब दोनों में इथेन है, ठीक है, और हम मान कर चलते हैं कि ये पानी में डिजॉल्व किया गया है, कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है तो हम मान कर चलते हैं कि इसको वाटर में डिजॉल्व किया गया, ठीक है, या कोई भी सॉल्वेंट हो जिसमें डिजॉल्व किया गया, इथेन तो पानी में डिजॉल्व जल्दी होता नहीं है, तो अल्कोहल होगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, उनका मेंशन नहीं किया गया, जब मेंशन नहीं है तो दोनों में सॉल्वेंट सेम है और सॉल्यूट तो खैर दिख ही रहा है कि सामने दोनों में सेम है इथेन है, तो जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही केस में सेम है तो दोनों ही केस में हेनरी कांस्टेंट सेम होगा, ठीक है, और कोई चीज़ सेम नहीं हो सकता दोनों में, लेकिन एक चीज़ तो सर्टेन है कि हेनरी कांस्टेंट सेम होगा, है ना। सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए हेनरी कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो एक केस से हम हेनरी कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, उसको हम दूसरे केस में अप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। अब है कि हेनरी का जो लॉ है वो दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, हेनरी लॉ हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस करते, एक है एम इक्वल टू के एच, ठीक है, और दूसरा है पी इक्वल टू के एच एक्स बी लिखो या, ये दोनों ही हेनरी लॉ है। अब कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, इसमें मोल फ्रैक्शन नहीं है, मास है, और यहाँ हमको मास दिया हुआ है, यहाँ एम क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो एम क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, ठीक है, यहाँ वो वॉल्यूम भी दिया हुआ नहीं है, तो मान के चलते हैं कि ये वॉल्यूम जो भी है वो यूनिट में होगा, मतलब 1 liter होगा, 1 ml होगा, जो भी होगा 1 ml होगा, यूनिट में होगा, यूनिट वॉल्यूम लिया गया, तो ये तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का यहाँ कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो हमको केएच का वैल्यू निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नहीं, इसलिए इस फॉर्मूला का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट हो नहीं सकता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना ही है, लेकिन सॉल्वेंट कौन सा है ये मालूम नहीं है, ना ही सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है कितना है, तो हम मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला हेनरी लॉ, ये भी है हेनरी लॉ, ये भी, ये वाला हम लोग यूज करें, वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसको यूज
नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। फर्स्ट केस में हम इसको यूज कर रहे हैं। फर्स्ट केस में मास ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 6.56 इंटू 10 to the power -2 यही दिया हुआ है, ठीक है। पीएच का वैल्यू दिया हुआ नहीं है फर्स्ट केस। और पार्शियल प्रेशर कितना है, 1 bar। पार्शियल प्रेशर कितना है, 1 bar, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है। अब तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा पीएच वैल्यू निकलेगा, पीएच इक्वल टू 6.56 इंटू 10 to the power -2 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो केएच का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ठीक है। केएच का वैल्यू क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। केएच का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 6.56 इंटू 10 to the power -2 ग्राम पर बार। ये जो है हमारा हेनरी कांस्टेंट जो है मिल गया फर्स्ट केस से। अब इस हेनरी कांस्टेंट को सेकंड केस में हम अप्लाई कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ लिक्विड, तो कितना है, 5 × 10 to the power -2 ग्राम है सॉल्यूट। और उसके बाद के एच का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, 6.56 इंटू 10 to the power -2। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही है, तो मास का वैल्यू यहाँ बैठा दिए, के एच का वैल्यू हम यहाँ बैठा रहे हैं, और ये पी रह जाएगा 10 to the power -2 ग्राम पर बार इंटू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर के बराबर क्या होगा, 5 × 10 to the power -2 ग्राम अपॉन 6.56 × 10 to the power -2 ग्राम पर बार, यही है। अब इसमें 10 ग्राम कट गया, 10 to the power -2 कट गया, तो बच गया क्या बार। तो अब इसको हम डिवीजन करेंगे, बाकी को कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 76.2 आएगा, 76.21, ठीक है। तो देख लीजिए कि प्रेशर बढ़ गया, जब इथेन 6.56 × 10 to the power -2 ग्राम था तो उसमें पार्शियल प्रेशर जो है 1 bar। सेकेंड केस में जाता नहीं है, अब उसमें जो है 5 × 10 to the power -2 ग्राम दीजिए इथेन, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ के हो गया 76.21 bar। यही तो हमको निकालने कर रहा है कि सेकंड केस में है ना, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं मीथेन का, तो आखिर पार्शियल प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ओके।